हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ छह तरह के रायते। फ्रेंड्स, ये रायते बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, और अगर खाने के साथ थोड़ा सा रायता मिल जाए तो खाने का स्वाद तो दोगुना हो जाता है। और ये रायते बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी होते हैं, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर छह तरह के रायते बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम दही लिया है। दही आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाल लिया है। बहुत ज़्यादा पतला हमें इसको नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम इसको सबसे पहले मथनी से मथ के रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे रायते जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें इसको गाढ़ा दही बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे पुदीने का रायता। तो उसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, और इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार दही डालेंगे। कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर पुदीने की चटनी ली है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक जार में डाल के थोड़ा सा पुदीना डाल दिया था, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ बारीक चॉप करके डाली थी, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस तरह से इसकी चटनी बना के तैयार कर ली थी। फ्रेंड्स, ये रायता बहुत ही टेस्टी होता है, और हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है ये रायता, क्योंकि ये पुदीना हमारे शरीर को ठंडक देता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाली हैं। थोड़ी सी हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, और 1/4 चम्मच हम इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हम इसमें काला नमक डालेंगे। नमक आपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा लिया है। जीरे को भून के मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। पाउडर इसका मैंने नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स, धनिया मैंने इसमें पहले से ही डाल दिए हैं, तो अब हम इसमें कटी हुई धनिया नहीं डालेंगे। तो ये हमारा पुदीने का रायता बन गया है। तो अब हम इस तरह के बाउल में इसको सर्व करेंगे। तो थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं ऊपर से, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल के इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी टेस्टी पुदीने का रायता बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, दूसरा रायता है हमारा मिक्स वेज रायता। तो उसके लिए हमें मिक्सिंग बाउल लेंगे, और इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ सब्जियों को बारीक चॉप कर लिया है, जिसमें मैंने बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए हैं। थोड़े से टमाटर हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। एक मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, जिसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, सब्जियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा खीरा लिया है, जिसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा मिक्स वेज रायता बन के तैयार है। फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे फेवरेट रायता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इस रायते को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अब हम थोड़े से प्याज के टुकड़े डाल देते हैं ऊपर से, और थोड़े से हम इसमें टमाटर के टुकड़े डाल के इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। इस तरह से देखने और खाने दोनों तरह से अच्छा लगता है। और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देते हैं ऊपर से, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं, और ये हमारा रायता बन के तैयार है। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, तीसरा रायता है हमारा फ्रूट रायता। तो उसके लिए हम सबसे पहले मिक्सिंग बाउल लेंगे, और इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देते हैं, और चीनी को अच्छे से पहले हम दही में मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। फ्रूट्स सीजन में जो भी अवेलेबल हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस टाइम सीजन में ये मैंने यहाँ पर थोड़े से काले अंगूर ले लिए, जिसको मैंने काट लिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पर हरे अंगूर ले लिए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केला ले लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा आम ले लिया है, जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़े से मैंने अनार के दाने ले लिए हैं। थोड़े से अनार के दाने हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, सीजन के समय से आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी हम इसमें काला नमक डालेंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। फ्रेंड्स, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक बार इस रायते को जरूर ट्राई करके देखें, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। तो ये हमारा फ्रूट रायता भी बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको भी एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं, और थोड़े से अनार के दाने से हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो आप इस रायते को ठंडा ठंडा सर्व करें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, चौथा रायता है हमारा पालक का रायता। तो उसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, और इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पालक ले लिया है। पालक को मैंने सबसे पहले बारीक चॉप कर लिया था, आप चाहें तो पीस के भी इसको बना सकते हैं। तो बारीक चॉप करके मैंने इसको थोड़ा सा पानी बॉईल करके उसमें इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो बॉईल करने के बाद इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बॉईल करके रख लिया था। तो इसको डाल देते हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा पालक का रायता भी बनके तैयार है। फ्रेंड्स पालक हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इस रायते को ज़रूर ट्राई करके देखें इन गर्मियों में। तो इस तरह से हम इसको भी एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। थोड़ी सी ऊपर से धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इस तरह से देखने खाने दोनों तरह से अच्छा लगता है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं। तो ये हमारा पालक का रायता भी टेस्टी टेस्टी बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स पांचवा रायता है हमारा खीरे का रायता। तो उसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें दही डालेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक खीरे को इस तरह से कद्दूकस करके लिया है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये रायता भी बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा वो भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा खीरे का रायता भी बनके तैयार है। तो अब हम इसको भी एक बाउल में सर्व करेंगे और इसमें हम थोड़े से खीरा डाल देते हैं ऊपर से कद्दूकस किया हुआ, थोड़े सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। इस तरह से देखने और खाने दोनों तरह से अच्छा लगता है। तो ये हमारा टेस्टी टेस्टी खीरे का रायता बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स छठवा रायता है हमारा लौकी का रायता। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें भी हम दही डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर लौकी को इस तरह से बॉईल कर लिया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो इस तरह से कद्दूकस करने के बाद मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। फ्रेंड्स हमें इसको गर्म पानी में सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है, तो ये बहुत जल्दी बॉईल होकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने लौकी को बॉईल करके इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को भी फ्रेंड्स इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये रायता भी बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है। तो अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। तो इसकी भी हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। थोड़ी सी मैंने लौकी डाल दी ऊपर से, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। इस तरह से देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेस्टी टेस्टी 6 तरह के रायते फ्रेंड्स हमारे बन के तैयार हैं। फ्रेंड्स आपको जो रायता इसमें से पसंद आया है उसको आप बना के इन गर्मियों में खाने के साथ एंजॉय करें। फ्रेंड्स अगर आपको एक रायता भी इसमें से पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।